वो देते चला। देखो कोई चीज को जब हम लोग ग्राउंड से एक एंगल पे फेंकते हैं तब उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तब उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। बेसिकली प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट करने का मतलब है कोई चीज को फेंकना, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है। जब हम लोग इस तरह से एक एंगल पे फेंकेंगे तो फिर उसका जो वेलोसिटी होगा, सपोज उसका इनिशियल वेलोसिटी यू, और सपोज इनिशियल वेलोसिटी यू का जो एंगल है जो ग्राउंड के साथ वो बना रहा है दैट इज सपोज थीटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू ग्राउंड के साथ जो एंगल वो बना रहा है दैट इज थीटा। तुम इधर आ जाओ, इजी रहेगा। अब यू के साथ अगर मतलब यू जो एंगल ग्राउंड के साथ अगर बना रहा है दैट इज थीटा, देन व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? देयर इज द इनिशियल वेलोसिटी यू जिसने बनाया थीटा एंगल विद द ग्राउंड, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से मोशन स्टार्ट होगा विद इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ हमने उसको प्रोजेक्ट किया, राइट। जाते जाते क्या होगा, जैसे जैसे उसका मोशन होगा तो उसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल वो कम होता जाएगा, एंड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट द वेलोसिटी विल बिकम प्योरली हॉरिजॉन्टल, दैट मींस जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगा, राइट। तुम सोचो जब प्रोजेक्टाइल इस तरह से जा रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंच चुका है तब उसका वेलोसिटी क्या होगा? फॉर अ मोमेंट प्योरली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट होगा ही नहीं वेलोसिटी का। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब वो गिरेगा, जैसे जैसे वो गिरेगा तब फिर उसका फिर से वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट दिस टाइम विल बी डाउनवर्ड्स, वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड्स होगा ऐसा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुरू से इसी डायरेक्शन में है, वर्टिकल कंपोनेंट इस बार डाउनवर्ड्स है, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो इस तरह का टेंजेंशियल, अंडरस्टूड? उसके बाद वो ये इसी फॉर्म में वो गिरता है। अब गिरने के टाइम पे फिर से उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले भी u cos थीटा था, अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिर से u cos थीटा हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी पहले u sin थीटा था फिर से वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा हो जाएगा, एट जिस वेलोसिटी के साथ उसे प्रोजेक्ट किया गया था अल्टीमेटली उसी वेलोसिटी के साथ वो वापस यहां पे गिरेगा, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा, अल्टीमेटली वेलोसिटी सेम आएगा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इसको देखो, इसको किस तरह से यहां पे मैंने किया है, देखो x और y एक्सिस पे प्लॉट करके रखा हुआ है, x और y एक्सिस पे प्लॉट करके रखा हुआ है, बिकॉज़ हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को ले रहे हैं अलोंग द x एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन को ले रहे हैं अलोंग द y एक्सिस। सर पर वो जो कुछ मीड में मतलब पाथ में रहेगा तभी तो एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन कुछ तो होगा। देखो यहां पे भारी सा दिख गया, आप तो इधर ही रहते हो, आपको तो मतलब हैबिट है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ ऐसा ही है, इधर रहते हैं तो इधर के बारिश का साउंड का मेरे को हैबिट है, बारिश का साउंड अलग है, मतलब जैसे साउंड घुसता इधर उधर से क्रैक वैक से, ऐसा ही है ना, कुछ बोलता तो हाथ दिखाता है, वो समझ भी आता ना लोगों को। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुआ उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो यहाँ पे कवर हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेंज। मैक्सिमम हाइट को यहाँ पे मैंने मार्क किया है एज एच एम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, एमएच क्यों होगा? हाइट मैक्सिमम एचएम, लेकिन मैक्सिमम हाइट बोला ना आपने। आई विल स्टॉप द वीडियो वंस।